नमस्कार सभी को। ये लॉकडाउन लगा है इसलिए बाहर सब लोग काम करने जाते थे हम सब लोग, लेकिन बाहर का काम धाम सब छूट गया है लॉकडाउन के चलते। तो हम लोगों ने थोड़ी सी जगह में यहाँ पर सब्जी लगाई है हरी हरी। यहाँ पर देखिए कद्दू, गड़ेली, तुरई, लौकी, तरबूज सब है। उधर भिंडी रखी है, उधर ककड़ी है, इधर लौकी सब है। इतना 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 जगह है, इसमें लगा रखा है हम लोगों ने। ये तोड़ लिया है, सब पास की मंडी में हम लोगों को बेचने ले जाना है, जो कि जैसे हम आड़त बोलते हैं हमारी गांव की आम भाषा में, तो वहां पर ले जाना है सुबह सुबह। और इसका अच्छा दाम मिलता है तो अच्छी बात है, वरना जय हिंद। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे रेगुलर। और आपको भी ताज़ा सब्ज़ी चाहिए तो प्लीज़ हमारे यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट करना। हम MP के ज़िला गुना से हैं, और बाकी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे हम आपको। यदि चाहिए तो आना है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ घूमने भी आ सकते हो आप लोग, खेतीबाड़ी के तौर तरीके भी सीख सकते हो। हम भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जितना भी अनुभव है उतना हम आपको ज़रूर बता देंगे। ऐसा नहीं, हमारे पूर्व जनों पहले से, मम्मी पापा दादा सब पहले से खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेतीबाड़ी करते हैं। हम लोग क्या है, नई पीढ़ी के थोड़ा मन में उत्साह भी रहता है बाहर जॉब करने का, घूमने का, तो सब घूम लिया, नौकरी वोकरी सब छूट गई लॉकडाउन के चलते। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी मेरी बड़ी, हम सब लोगों की बड़ी हेल्प करता है। सब लोग हम मिलजुल कर घर पे ही काम करते हैं खेतीबाड़ी का। और ये थोड़ी सी लगाई है, लेकिन अगला सीज़न पे हम और ज़्यादा इसको, मतलब ज़्यादा जगह में लगाने का सोच रहे हैं, 1-2 बीघा के लगभग। तो हो सकता है खेतीबाड़ी अच्छा व्यवसाय बन जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम सबको। ये इतनी लंबी, लेकिन शुद्ध देसी हैं ये, अभी अभी तोड़े हुए, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। जय हिंद।